आनंद शहर में मेघालय राज्यपाल सतपाल मलिक का मंच से बड़ा बयान। अगर एमएसपी को लेकर किसानों की बात नहीं मानी तो मैं भी गवर्नर की कुर्सी छोड़कर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। बुलंदशहर के गांव मुड़ी बकापुर में ग्राम दिवस के प्रोग्राम पर पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर सरकारी एमएसपी को लेकर किसानों की बात नहीं मानी तो मैं अपनी गवर्नर की कुर्सी छोड़कर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। अभी आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी किसानों की अगर बात नहीं मानी गई तो मैं गवर्नरशिप से इस्तीफा भी दे सकता हूं और किसानों की लड़ाई में लड़ूंगा। जिस दिन से किसानों की लड़ाई चली है उस दिन से इस्तीफा मेरी जेब में है, पर मेरा एक निवेदन था कि जिन्होंने मुझे बनाया है वो अगर कह देंगे हमारा नुकसान हो रहा है तुम्हारी बातों से तो एक मिनट में दे। सर, सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, उसको लेकर के सर क्या कहना है कि राजपथ का जो नाम भी चेंज कर दिया है? राजपथ का नाम चेंज करने की मेरी दृष्टि में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजपथ कोई अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं क्योंकि बहुत वो एक तरह से समझिए कि तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं तो आज कुछ नहीं होगा तो इसका कर दिया। खस्ता हाल स्कूलों की जगह मदरसे का सर्वे कराया जा रहा है, इस पर आपका क्या नज़रिया है? ये सियासत है? नहीं, अगर सर्वे करा के इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए तो ये सियासत नहीं है। ठीक इसी तरह से जो आपके स्कूल चलते हैं उनका भी सर्वे कराया जाए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उस योजना से देश की फौजें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जवानों का जज्बा ख़त्म हो जाएगा लड़ने का, कोई गोली खाने के लिए नहीं आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी सर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं सर, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो अच्छा कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।